ये बड़ा स्पष्ट है कि जनादेश का अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 7 MLA से सरकार तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 95 का दौर इस मशरक की धरती जानती है बहुत दिनों से। 94 में समता पार्टी बना, तब से नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जिस तरह का विश्वासघात, बिहार के साथ अन्याय करने का काम किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह की बोली बोली जा रही है, सरकार के आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री के द्वारा, वो लगता है कि कोई गुंडा बोल रहा है। और कोई गुंडा बिहार का उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहां पर लालू प्रसाद जी को लोगों ने नेता माना, बिहार का मुख्यमंत्री भी माना, लेकिन उसके बाद अनुकंपा आधारित, चाहे वो श्रीमती राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव, वो यदि इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। आज भी आप लोग देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से उनको पता चला कि एक इंजीनियर के यहां 5 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का मिला है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी संलिप्तता पकड़ी जानी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग तो एक एक पाई का हिसाब करने के लिए निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब। भारत सरकार 2,37,000 करोड़ का बिहार का बजट है, उसमें से 1,70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती है रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर। जिस प्रदेश को हम 75% से अधिक राशि भारत सरकार देती हो, नरेंद्र मोदी की सरकार देती हो, 4 लेन छोड़ दीजिए, 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन रेलवे लाइन, ग्रामीण सड़क का कार्य उसको छोड़ दीजिए, हम सिर्फ बिहार को स्थापित करने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपया देते हैं। हम मशरक के लोगों को भी अस्वस्थ करते हैं, सारण के लोगों को, गोपालगंज सिवान के लोगों को अस्वस्थ करते हैं कि हमको पार्टी ने यह जिम्मेदारी दी है विरोधी दल के नेता के तौर पर। जनक जी भी यहाँ पर मुख्य सचेतक है हमारे पार्टी के, विरोधी दल के। एकदम स्पष्ट तौर पर हम सरकार से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, एक एक रुपये का हिसाब लेंगे। जो नरेंद्र मोदी की सरकार पैसा देगी, वो खर्चा आपने कहाँ किया, किन लोगों पे किया। और जो चिंता है बिहार में गुंडा राज स्थापित नहीं हो, हम आश्वस्त करते हैं बिहार में किसी भी कीमत पर गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। और 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन लोगों को जो घमंड है कि हम 2 मिल गए, हम जो चाहेंगे वो होगा बिहार में, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता पर कि गुंडा राज स्थापित नहीं होने देगा, आतंक राज स्थापित नहीं होगा, जंगल राज पार्ट 3 नहीं होगा। तो 24 में भी हमको 40 के 39 सीट जिस तरह हमको 2019 में जिताने का काम बिहार की जनता, महान जनता ने किया, 2024 में भी बिहार की जनता हमको 40 में 39 जिताएगी और 25 में एक एब्सोल्यूट सरकार बिहार में भाजपा की बनाने का काम। उप मुख्यमंत्री ने कहा है बिहार में रहना होगा तो चुपचाप रहना होगा। देखिए, वो गुंडा नहीं है ना, यदि उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री की बोली बोली, नहीं तो हम लोग ठंडा करना सबको जानते हैं। सर, बिहार में आए दिन आजकल आपराधिक घटना बढ़ गया है, बैंकों में डकैती की जा रही है, जहां तहां खुलेआम हत्या किया जा रहा है। नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, कोई विचारधारा नहीं। वो कहते थे कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि राजनीति बिना सिद्धांत के नहीं हो सकती। और नीतीश कुमार जी ने पिछले 17 वर्षों में 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदला और बिहार का पॉलिटिकल DNA खराब कर दिया। कोई व्यक्ति कंफ्यूज है कि कल नीतीश कुमार कहां जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड के साथियों से पूछिएगा कि अगला 3 महीना के बाद नीतीश कुमार कहां होंगे, वो बेचारा वो भी नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री बनने के लिए 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदलता हो,
इससे बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये थका हुआ सरकार है और नीतीश कुमार जी में अब कोई लगन नहीं है कि बिहार की जनता की सेवा करें। हम दोनों को साथ, अच्छा है कि दोनों को एक साथ हम लोग उखाड़ कर फेंकें।